नैनीताल जिले में लगातार भूमाफिया पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। अब भूमाफिया अमृतपुर और जमरानी क्षेत्र में सक्रिय है। आज कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में अमृतपुर जमरानी क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर भूमाफियाओं की शिकायत की है। क्षेत्र में ऐसी जमीनें हैं जिस पर किसान पिछले 50 से लेकर 100 वर्षों से अधिक समय से काबिज है, लेकिन किन्हीं कारणों से खाता खतौनी उनके नाम अंकित नहीं हो पाई है। ऐसे में कुछ तथाकथित माफिया उनकी जमीनों को धोखा कर बेच रहे हैं और उसकी दाखिल खारिज भी करवा रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि दाखिल खारिज उन्हीं जमीनों की हो जिन पर उसके असली मालिक का कब्जा हो। फिलहाल किसानों को अपने बेनामे को चढ़ाने के लिए तहसील में आवेदन करें। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज जो जनता मिलन हुआ है, हर शनिवार को जनता मिलन होता है, पिछले कुछ समय से रुक गया था, तो आज पुरानी पेंडेंसीज भी इसमें आई थी। आज अधिकतर जो समस्याएं आई हैं वो लैंड की तो खैर थी ही, लेकिन एक जो प्रमुख समस्या वो इस तरह से आई है, जो भीमताल क्षेत्र में कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिसमें वर्तमान में जो किसान हैं वो कई वर्षों से है, कोई 100 वर्षों से है, कोई 50 वर्षों से है। इत्तेफाक ये है कि उनके म्यूटेशंस, जब उन्होंने ज़मीन खरीदी होगी या फिर जो कब्जे में होंगे, सेल डीड भी है कई जगह, उनके नाम म्यूटेशंस नहीं हो पाए, तो खतौनी में पुराने लोगों के नाम ही विरासतन चले आ रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा के कुछ ऐसे तत्व जो कि लैंड फ्रॉड करते हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इन ज़मीनों की सेल हो रही है। और सेल होने के बाद क्योंकि नाम खतौनी में चढ़ जा रहा है तो कब्ज़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें पहले भी मेरी ओर से डायरेक्शन सभी तहसीलदार्स को थे कि ये ज़रूर देख लिया जाए कि किसका कब्ज़ा है। अगर कब्ज़ा ही नहीं है वहाँ पे तो ऐसे म्यूटेशंस नहीं होने चाहिए। लेकिन जो दल आया था किसानों का, उनसे मैंने कहा है कि ऐसे जो भी दाखे यदि हुए हैं तो मेरे संज्ञान में उनको लाया जाए, अगर गलत दाखे हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि इनके लंबे समय से नाम खतौनी में नहीं चढ़े हैं तो ये लोग भी अपने बैनामे के आधार पर आवेदन तहसील में कर दें ताकि ये हो जाए, वरना कहीं ना कहीं फ्रॉड की गुंजाइश आगे बनी रहती है।